तो यार पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत बार ये सुना होगा कि मार्वल वालों ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस से आयरन मैन प्ले करने का ऑफर दिया है, और फिर ये भी न्यूज़ आई कि आरडीजी ने मार्वल स्टूडियोज का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जिस पर बहुत से लोगों को ये फेक न्यूज़ लगी और बहुत से लोगों को ये भी लगा कि अगर आयरन मैन वापस आया तो ये एंड गेम में उसके सेक्रीफाइस और उस पर फैंस के इमोशंस के साथ खिलवाड़ होगा। तो यार ये न्यूज़ भले ही सच हो या ना हो, बट एक चीज तो तय है कि ओरिजिनल एवेंजर्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में जरूर वापस आएंगे, यानी आरडीजे का आयरन मैन, क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो, प्लस थॉर, हल्क और हॉकाई सीक्रेट वॉर्स में दिखेंगे ही दिखेंगे। क्योंकि अगर मार्वल स्टूडियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो एंड गेम के बाद से एमसीयू की वो हाइप नहीं रही है जो सीक्रेट वॉर्स के लिए नॉन एमसीयू फैंस को उस लेवल पर अट्रैक्ट कर सके। और इस मल्टीवर्स सागा के मेन विलेन कैंग को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स की रेपुटेशन भी उनके कोर्ट केसेस की वजह से काफी अजीबोगरीब हालत में है। तो मार्वल अपनी सारी बिग गन्स को यूज करने वाला है। मल्टीवर्सल इवेंट होने की वजह से मार्वल के पास ये फ्रीडम है कि वो बहुत सारे पुराने मार्वल कैरेक्टर्स को इस सागा में इंक्लूड कर सकता है। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम देख ही चुके हैं कि प्रोफेसर एक्स और ब्लैक बोल्ट जैसे पुराने मार्वल कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, नो वे होम में टॉबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन देखने को मिले, और डेडपूल 3 में ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन वापस आने वाला है, साथ में और भी कई एक्समैन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि डेडपूल 3 एक प्रॉपर मल्टीवर्स सागा का प्रोजेक्ट है, जहां शायद डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले वुल्वरीन के वर्जन को टीवी वाले हायर करेंगे डेडपूल जैसे कुछ सुपर हीरोज को रिक्रूट करने के लिए, जो कैंग के अगेंस्ट वॉर में टीवी वालों का साथ दे सके। और थ्योरीज के अकॉर्डिंग कुछ दिनों में रिलीज होने वाली मूवी द मार्वल्स भी इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एमसीयू की ऐसी पहली मूवी होने वाली है जिसमें मेन अर्थ यानी सेक्रेट टाइमलाइन की एक म्यूटेंट मिस मार्वल फीचर होने वाली है। और फाइनल ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है ये मार्वल वालों ने गलती कर दी, इस ट्रेलर को पहले लाना चाहिए था, ज्यादा आई बनती। क्योंकि इस ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि डार्विन की पावर्स की वजह से स्पेस की रियलिटी कोलैप्स हो रही है, फैब्रिक टियर होने लगा है। ये काफी हद तक कॉमिक्स के इंकर्जन इवेंट जैसा है, जहां दो वर्ल्ड्स आपस में कोलाइड होने लगते हैं और सर्वाइव करने के लिए एक ही तरीका होता है कि कोलिजन के पहले ही दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे अपने वर्ल्ड का कोलिजन किसी से हो ही ना पाए। इसी स्टोरी लाइन ने कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के लिए फाउंडेशन रखी थी। तो हो सकता है जिस मूवी द मार्वल्स को हम लोग ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मार्वल ने कोई सरप्राइज रखा हो उसमें। अब क्योंकि ये मार्वल के एमसीयू की अपनी म्यूटेंट मिस मार्वल की मूवी है, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है कि कोई ना कोई म्यूटेंट ईस्टर एग्स पुरानी एक्समैन मूवीज से या कोई कैरेक्टर पुरानी एक्समैन मूवीज का इस मूवी में देखने को मिल जाए। क्योंकि मार्वल वालों ने लास्ट में कुछ रीशूट्स किए हैं मूवी में, तो कोई सरप्राइज जरूर हो सकता है। मिस मार्वल के बैंगल्स का ओरिजिन और ट्रू पावर भी पता चलेगी। वैसे इस मूवी के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है, अब उम्मीद है कि मूवी में कुछ ऐसा हो कि बाद में बात करने में मजा आए। अब ये सारी मल्टीवर्स सागा की चीजें लोकी के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड से और भी ज्यादा क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि कैंग का रिटर्न प्लान यहीं से समझ में आने वाला है। ये ठीक वैसा ही मोमेंट हो सकता है मल्टीवर्स सागा के लिए जैसा पहली एवेंजर्स मूवी में थैनोस के रिवेलेशन के बाद इन्फिनिटी सागा में हुआ था, और फिर आगे चलकर कई सारे पुराने सुपर हीरोज टीम अप करते हुए दिखेंगे। रूमर्स तो ये भी हैं कि सीक्रेट वॉर्स में लीड हीरोज टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन और ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन होगा, और साथ ही साथ पुराने या फिर कहें ओरिजिनल एवेंजर्स भी दिखेंगे। वैसे अच्छी चीज भी है, मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर्स एक हार्ड रिबूट मारने वाला है एमसीयू में, जिसके बाद से एक फ्रेश स्टार्ट होगी। तो ऐसे में सीक्रेट वॉर्स में अभी तक के सारे मार्वल सुपर हीरोज को इंक्लूड करना एक तरह से पुरानी मूवीज और उन सुपर हीरोज को ट्रिब्यूट होगा जिन्होंने मार्वल को ग्रेट बनाया है। और वैसे भी कॉमिक बुक मूवीज हैं, कौन कितनी बार मर के जिंदा होता है फर्क नहीं पड़ता है, अगर स्टोरी में उनका कैरेक्टर सही से फिट हो रहा है तो, क्योंकि लोकी खुद इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो ये तो थे मेरे विचार, और तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं इस पूरी सिचुएशन पर कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ग्लो आइस पर।